हरियाणा में गठबंधन सरकार के एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के उपलक्ष्य में हरियाणा के सभी जिलों के मुख्यालयों पर सरकार द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम रखे गए। पानीपत पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए बताया कि पानीपत में 20 उद्घाटन व शिलान्यास परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिन पर लगभग 62 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया आज हरियाणा में 306 माइलस्टोन उपलब्धियों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का भूमि पूजन भी किया गया। देश में एक साल पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन से, साल कंप्लीट हुआ है, तो उसमें आज 306 के करीब जो माइलस्टोन जिसको बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, वो उसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास किया। और साथ में ही अपने हिसार में जो एक एयरपोर्ट का जो एक भूमि पूजन किया गया है, तो उसके लिए पूरे प्रदेश को बधाई है। और हमारे सरकार में बैठे सभी विधायकगण, मंत्रीगण और जो अधिकारी हैं, उनको भी बधाई है। खेलो इंडिया का स्पोर्ट्स सबसे बार हरियाणा में होने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह की नई पॉलिसी है? देखिए, तकरीबन एक साल के अंदर वो खेलो इंडिया होगा, 2021 में, 2021 की जो ओलंपिक्स है उसके बाद ही वो होगा। और उसकी तैयारियां काफ़ी चल पड़ी हैं, इंफ्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ ही उसको डेमो भी कह सकते हैं, हरियाणा डे के ऊपर हम उसका 8 गेमों का एक डेमो के रूप में उसमें कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरे प्रदेश में ये पता लग जाएगा कि हमारे जो खिलाड़ियों का पोटेंशियल किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि COVID-19 के चलते हुए हमारे कोई बड़े कंपटीशन नहीं हुए, लेकिन उन कंपटीशन को रेगुलरिटी में लाते हुए हमने 8 गेमों का 1 नवंबर जो हमारा हरियाणा डे होता है उसमें स्पोर्ट्स के रूप में भी हम मना रहे हैं। पीटीए टीचर अभी भी स्ट्राइक पे है कितने लंबे समय से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी विश्वास है कि इसके ऊपर जो सही निर्णय होगा वो सही निर्णय। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।